हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है नोटबुक ट्यूटोरियल्स। आज की क्लास होगी क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके सॉल्यूशन के बारे में अच्छे से समझेंगे, करेंगे और जानेंगे कि इसका सही आंसर क्या होता है और किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आप सब देख सकते हैं आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5, जिसको सबसे पहले हमें अच्छे से रीड करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन डिपॉजिट्स 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज रुपीज 1642, दैट मींस 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मोहन कोई एक लड़का है जो अपने बैंक अकाउंट में पहले दिन 2000 रुपए जमा करता है, उसके बाद अगले दिन वो 1642 रुपीज वहां से विड्रॉल कर लेता है, दैट मींस निकाल लेता है। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, ये कहना चाह रहा है कि जो भी रकम वो अपने बैंक अकाउंट से निकालता है अगर आप उसको एक नेगेटिव इंटीजर मानते हैं, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो जो रकम हमने 2000 स्टार्टिंग में डिपॉजिट की थी, आप उसको कौन सा साइन देना चाहोगे इंटीजर का। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, और आपको ये भी एंड में बताना है कि अब मोहन के अकाउंट में कितने बैलेंस रह गया, दैट मीन्स कितने रुपीज लेफ्ट हो गए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टेटमेंट तैयार करनी पड़ेगी। सबसे पहली जो स्टेटमेंट होगी वो होगी कि मोहन ने कितने रुपीज डिपॉजिट किए हैं। तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी कि मोहन डिपॉजिट्स इक्वल टू 2000। तो देखिए कोई भी अपने बैंक अकाउंट में जब अमाउंट एड करता है, दैट मीन्स डिपॉजिट करता है, तो वो पॉजिटिव माना जाता है क्योंकि वो पैसा आपके लिए एड हो रहा है आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया उसने, अगले दिन विड्रॉल कर लिया, सो ही विड्रॉल, या फिर आप यहां पे लिख सकते हैं ही विड्रॉज, ठीक है स्टूडेंट्स, ही विड्रॉज इक्वल टू -1642। यहां पे हमसे बोला गया था कि जो रकम वो निकालेगा, जो अमाउंट वो निकालेगा, उसको हमें नेगेटिव मानना पड़ेगा, तो हमने नेगेटिव मान लिया, ठीक है। अब आपको इजी सी बात है, यहां पे आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए ये जो अमाउंट था जो डिपॉजिट किया गया था वो उसके अकाउंट में एड हो रहा था, पॉजिटिव था, ऑब्वियस सी चीज है। तो देखिए यहाँ पे जो आपसे पूछा गया था कि जितने भी रकम डिपॉजिट हो रही है उसको आप क्या साइन दोगे, तो उसको हम हमेशा ही पॉजिटिव साइन देंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि ये बैलेंस हमारे अमाउंट में ऐड हो रहा है, हमारे अकाउंट में ये बैलेंस ऐड होता है, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। और आप जो भी रुपीज अपने बैंक अकाउंट से निकालते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके जितने भी बैंक में अमाउंट होता है उससे लेस होता है, मतलब माइनस होता है। तो आपको यहाँ पे सॉल्व कर देना है इसको। आप जब सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस का केस है, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन होगा, और सब्ट्रैक्शन जब आप लोग करोगे तो यहाँ पे आंसर कुछ ऐसा आएगा 0358, और यही होगा बैलेंस अमाउंट जो कि मोहन के बैंक अकाउंट में बकाया बाकी रहेगा। तो लास्ट में आप एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हो कि सो द बैलेंस लेफ्ट इन मोहन्स मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल इज रुपीज 358। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप रुपीज 358, क्योंकि अब रुपीज का साइन चेंज हो गया है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो आई होप ये क्वेश्चन फिफ्थ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और सभी चीज अच्छे से समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए, कमेंट पक्का करिएगा। जब भी बच्चे कमेंट करते हैं मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, और जल्द ही आपको एक दो दिन में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी आगे मिल जाएगा वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।